एक रिसेंट स्टडी में पता लगाया गया है कि भारत में ओ ब्लड ग्रुप वालों की संख्या ज्यादा है। ओ ब्लड ग्रुप वालों की संख्या भारत में 37.12% है। इसके बाद बी ब्लड ग्रुप वाले लोग आते हैं जो कि भारत में 32.26% है। और ऐसा केवल भारत में ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में ओ और बी ब्लड ग्रुप वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों की संख्या पूरे विश्व में भी ज्यादा है? आपको बताते चले कि ओ ब्लड ग्रुप प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप का म्यूटेशन मनुष्यों में पिछले 20,000 सालों से ही चला आ रहा है। ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि रेसेसिव यानी कम प्रभावी है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप की तुलना में ज्यादा डोमिनेंट है यानी ज्यादा प्रभावी है। इसे एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं सुरेश नाम का एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। सुरेश की पत्नी स्मिता का ब्लड ग्रुप बी है। अब सुरेश और स्मिता की संतान का ब्लड ग्रुप बी होने की संभावना कहीं ज्यादा है। इन दोनों के बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा क्योंकि बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग भारत सहित पूरे विश्व भर में ज्यादा हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों के ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं भी ज्यादा हैं और ऐसा होता भी है। इसलिए अधिकतम दंपतियों की संतानें भी ओ ब्लड ग्रुप वाले ही होती हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण आखिर होता कैसे है? खून में ऐसा क्या होता है जिसे देखकर पैथोलॉजिस्ट ब्लड ग्रुप का पता लगा लेते हैं? आखिर ये ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप होता क्या है? चलिए ये जानकर अपने जिज्ञासा को शांत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि खून यानी ब्लड बना किस चीज से होता है। ब्लड मेनली चार चीजों से मिलकर बना होता है। रेड ब्लड सेल्स यानी RBC, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। RBC, WBC और प्लेटलेट्स इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। अब किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को जानने के लिए हमें जरूरी होता है खून के रेड ब्लड सेल की जांच करना। रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं एंटीजन। ये एंटीजन इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है। एंटीजन वो प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में तब बनते हैं जब कोई बाहरी पैथोजेंस जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये एंटीजन स्टिमुलेट करते हैं हमारे शरीर में एंटीबॉडी को, जो शरीर के हानिकारक वायरसेस और बैक्टीरियास को खत्म कर शरीर से बाहर निकालते हैं। एंटीजन खून में मौजूद रेड ब्लड सेल के सरफेस पर मौजूद होते हैं और एंटीबॉडी खून के प्लाज्मा में यानी लिक्विड वाले इस पार्ट में होते हैं। अब देखिए, ब्लड ग्रुप जानने के लिए खून में इन लाल रंग के कणों के सरफेस के ऊपर एंटीजन की जांच करते हैं। एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब अगर किसी व्यक्ति के खून के RBC के सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद हो तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा और खून के प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी बी होगा। यानी प्लाज्मा में एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के विपरीत वाला ही होता है। अगर रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन बी हो तो ब्लड ग्रुप बी होगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। अगर RBC के सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों हैं तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा और ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और RBC के सरफेस पर अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ओ होता है और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी दोनों ही होते हैं। और इस तरह होता है व्यक्तियों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ब्लड ग्रुप में एक एंटीजन एंटीजन एच या एच सब्सटेंस कॉमन होता है। यानी एंटीजन एच सभी ब्लड ग्रुप में पाया जाता है। ये एंटीजन एच बाकी के एंटीजन ए और एंटीजन बी का प्रीकर्सर होता है। यानी यही आगे चलकर एंटीजन ए या एंटीजन बी में बदलता है या यथास्वरूप बना रहता है। ओ ब्लड ग्रुप में भी ये एच एंटीजन रहता है। ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी भी व्यक्ति को आसानी से चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो निश्चित ही आपको रोमांचित करेगा।
एक ऐसा यूनिक ब्लड ग्रुप भी इस दुनिया में मौजूद है जो दुनिया में 2.5 लाख लोगों में से केवल एक व्यक्ति का ही होता है, वो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप यूनिक इसलिए है क्योंकि इस ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों के आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, यहाँ तक कि एच एंटीजन भी नहीं होता है। 1952 में मुंबई के डॉक्टर वाई एम भेंडे ने एक व्यक्ति के अंदर इस ब्लड ग्रुप की खोज की, इसलिए इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया। भारत में इस ब्लड ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में, लगभग 10,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति। इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी को भी अपना खून दे सकते हैं, पर केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों से ही ब्लड ले सकते हैं। और अभी जो बात मैंने आपको बताई है ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाली बात, वो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है। दुनिया भर में लगभग 36 ब्लड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ही है। दूसरा सबसे प्रचलित ब्लड क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर एच यानी रिसेस फैक्टर। ये जो आप सुनते हैं ना, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो ये आर एच फैक्टर ही होता है। इसका पता भी रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एक प्रोटीन से पता लगाया जाता है। अगर वो प्रोटीन आरबीसी के सरफेस पर है तो व्यक्ति पॉजिटिव, और अगर ये प्रोटीन आरबीसी के सरफेस पे मौजूद नहीं है तो व्यक्ति का आरएच फैक्टर नेगेटिव होगा। भारत में 95% व्यक्ति आरएच पॉजिटिव हैं। फिलहाल आप बताइए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका आरएच फैक्टर क्या है, कहीं आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति तो नहीं, मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।